हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसका दूसरा लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ टॉपिक बता दिए थे जो आपके सिलेबस में दिया गया था। शायद हमने सिमेट्रिकल फॉल्ट आपको बता दिया था, उसका फिगर और डायग्राम सब कुछ बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर वन जो है वो कम्प्लीट करा देंगे। कहने का मतलब जो चैप्टर वन फॉल्ट है उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट तक तो पढ़ा चुके हैं, अब उसके आगे हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो बिना किसी देरी के अब हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है एवं इसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है आपका अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को समझने से पहले एक बार आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट रिपीट करा देते हैं ताकि आपको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। जब हमने आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ाया था तो आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये तीन चित्र दिए गए हैं ऐसे करके ऐसे, ये तीनों चित्र अगर बिल्कुल सेम होंगे तो इन्हें बोला जाएगा सिमेट्रिकल। आपने केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा, मतलब कि जो भी केमिकल जो रासायनिक यौगिक होते हैं अगर उनमें जैसे एंगल वगैरह सब कुछ सेम रहता था तो उसे हम सिमेट्रिकल बोलते थे। इसी प्रकार अगर तीनों जिसमें किसी आकृति में सेम है तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल मतलब पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम इसका मतलब हो जाता है जैसे आपके पास तीन फेज है, मतलब कि थ्री फेज सिस्टम का पावर सिस्टम है, इसका नाम होता है आर और वाई भी। अगर इन तीनों फेज में करंट का वैल्यू जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, सेम होता है फॉल्ट होने के बाद, तो इसे बोला जाता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। और जो मतलब कि जब करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है और इसके बाद क्या होता है ये 120 अंश पर क्या होते हैं विस्थापित होते हैं, तो इसे सिमेट्रिकल फॉल्ट बोला जाता है। और सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है अधिकतर देखिए जो फॉल्ट होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। 5 से 10% फॉल्ट ही जब होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट होने के चांस होते हैं, क्योंकि यह फॉल्ट जो होता है बहुत ही रेयर केस में होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल, नाम से ही पता चल रहा है कि जो सिमेट्रिकल नहीं होगा उसे अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। अगर सीधे लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज बात करें, जो आपके पास थ्री फेज का पावर सिस्टम है उसमें जो बहने वाले करंट है, जैसे इसमें मान लीजिए आई करंट भरा है तो इसमें भी आई इसमें भी आई, ऐसा इसमें नहीं होगा। तीनों फेज में करंट का वैल्यू जो होगा वो सभी फेज में इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं होगा कहने का मतलब ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं जो पॉइंट यहाँ पर हमने नोट किया है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। देखिए इस प्रकार के फॉल्ट का अर्थ होता है कि थ्री फेज लाइन अनबैलेंस्ड। हमने आपको बताया था कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें फॉल्ट होने के बाद क्या होता है बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड होने का क्या मतलब है कि सभी फेज में जो करंट का वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। लेकिन थ्री फेज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल का मतलब यही है कि थ्री फेज लाइन क्या होगा अनबैलेंस्ड होगा, और अनबैलेंस्ड का मतलब है कि करंट का वैल्यू सभी फेज में इक्वल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर थ्री फेज है, एक यहाँ पर मान लीजिए आर हो गया, ये वाई हो गया और ये भी हो गया, तो तीनों फेज में करंट का वैल्यू जो होगा वो सभी फेज में इक्वल नहीं होगा। तो इस प्रकार के फॉल्ट को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। और आपने जो भी फॉल्ट सुना होगा, कभी भी आपने सुना होगा घरों मतलब इसे बिजली, अगर बिजली मतलब कि तड़कती है जैसे कि लाइटनिंग होता है या फिर बारिश होती है फिर आधी चलती है, तो आपने सुना होगा फॉल्ट, और जो फॉल्ट होता है वो ज़्यादातर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्या आता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि थ्री फेज लाइन है, ठीक है, ये क्या है आपका जो पोल है पोल से लगा है। अब आंधी या तूफान आता है अगर, तो एक तार क्या होता है गिरकर ज़मीन से क्या होता है कनेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार का फॉल्ट जो होता है आपने ज़्यादा सुना होगा कि मतलब एक वायर जो होता है कि गिरकर मतलब ज़मीन से संपर्क में आ जाता है, तो इसे बोला जाता है ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। कभी भी ऐसा बहुत कमी होता है कि तीनों वायर क्या हों शॉर्ट सर्किट हो जाएँ, तो ज़्यादातर जो होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट 60% अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं, और जो 5 से 6% या 2 से 5% है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसे कहते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बता दिया आपको, अगर आप डेफिनेशन लिखना है, नोट्स बनाना है, तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करिए, नोट्स हैंड टू हैंड आप लोग बना लीजिएगा तो ज़्यादा सही होगा। अब देखने की एग्जाम में अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का डेफिनेशन लिखने को आ जाता है तो कैसे लिखेंगे आप, तो इसमें लिखना है कि ऐसे फॉल्ट जिनके होने पर पावर सिस्टम में तीनों फेज में इलेक्ट्रिक करंट का मान समान नहीं होता है उसे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। ये तो आपको बिल्कुल पहले ही बता चुके हैं हम, उसी को यहाँ पर डिफाइन किए हैं, मतलब कि परिभाषित किए हैं कि जिस मतलब कि ऐसा फॉल्ट जिनके होने पर पावर सिस्टम में तीनों फेज में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है सेम नहीं होता है उसे अनसिमेट्रिकल कहते हैं। और दो पॉइंट यहाँ पर नोट किया कि इसे अनबैलेंस्ड फॉल्ट भी कहते हैं।
और सबसे अधिक होने वाला 60% जो फॉल्ट होता है वो लाइन टू ग्राउंड होता है, मतलब कि एक वायर क्या होगा तो टूट के जमीन के संपर्क में आ जाएगा। इसी प्रकार का फॉल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये लगभग कितना होता है 60% होता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था सिमेट्रिकल फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रिपल एल फॉल्ट, एक ट्रिपल एल जी फॉल्ट। अब देखिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए पहला होता है एल जी फॉल्ट, मतलब सिंगल लाइन टू ग्राउंड, जब मतलब पावर सिस्टम का थ्री फेज में एक वायर जो होता है किसी वजह से अचानक जमीन के संपर्क में आ जाता है तो उसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोला जाता है। और एल एल फॉल्ट मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट किसे बोलते हैं, जब थ्री फेज पावर सिस्टम का मतलब कि दो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो उसे डबल एल फॉल्ट बोलते हैं। और एल एल जी फॉल्ट मतलब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट किसे बोलते हैं, जब दो वायर थ्री फेज सिस्टम के जब दो वायर जो होते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो ग्राउंड के संपर्क में आ जाते हैं तो उसे डबल एल जी फॉल्ट या लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहा जाता है। तो ये फिगर आप एग्जाम में बना देंगे और जितना अपने आपको बताया उतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब एक एक फॉल्ट को हम देखते हैं कि अगर एग्जाम में आता है तो लिखना क्या है। जैसे कि एग्जाम में आ जाएगा एल जी फॉल्ट के बारे में, तो आप एल जी फॉल्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या, उसको आपको बता देते हैं। सबसे पहले पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर है हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसे ही बोलते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखिए लिखना क्या है आपको, बता तो दिए हैं कि एक लाइन टू ग्राउंड है मतलब कि थ्री फेज पावर सिस्टम का एक वायर जो होगा ग्राउंड के संपर्क में आ जाएगा तो इस प्रकार होने वाले फॉल्ट को क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखिए इसमें लिखना क्या है कि इस प्रकार का फॉल्ट एक ट्रांसमिशन लाइन में उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब कोई कंडक्टर ग्राउंड पर ड्रॉप हो जाता है या फिर न्यूट्रल चालक के संपर्क में आता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि थ्री फेज वायर ट्रांसमिशन लाइन है आपका थ्री फेज सिस्टम का, इसका अगर एक वायर जो होता है ग्राउंड पर ड्रॉप हो जाता है, मान लीजिए यही क्या होता है ग्राउंड से संपर्कित हो जाता है, तो इस प्रकार का लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट उत्पन्न होगा। और इसके निम्न कारण हो सकते हैं, पहले आपको बता दिया, सबसे पहला कारण हो सकता है हाई स्पीड वायर, मतलब कि तेज गति से अगर हवाएं चलती हैं तो जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर होते हैं उनका टूटने का चांस रहता है, तो इस वजह से सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने का दूसरा रीजन है कि फॉलिंग ऑफ अ ट्री, मतलब कि अचानक से अगर कोई पेड़ गिर जाता है ट्रांसमिशन लाइन पर तो भी यह फॉल्ट हो सकता है। और तीसरा रीजन है लाइटनिंग, लाइटनिंग की वजह से हो सकता है, मतलब कि बिजली का जब तड़ित आघात होता है तब भी क्या होता है फॉल्ट की हो सकती है, मतलब एक बार टूट कर ग्राउंड के संपर्क में आ सकता है। तो ये कुछ कारण थे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने के, ऐसे और भी अन्य कारण हैं जिनकी वजह से लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों की वजह से ही हो। तो अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में आपको कौन सा फिगर बनाना है। अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट लिखने को आ जाता है तो आपको पूरा डिटेल में बताना है, सबसे पहले बताना है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता क्या है, इसमें क्या बैलेंस रहता है क्या बैलेंस नहीं रहता है, फिर कितने टाइप्स होते हैं सब फिगर, फिर जितने टाइप्स होते हैं उसको एक एक प्रकार सब दिखाना रहेगा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। अब अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है उनके टाइप्स की बात करें तो आपको 4 प्रकार के हमने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बताया और सभी का फिगर 1 by 1 आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें पहला वाला जो चित्र है ये है एल जी फॉल्ट का। देखिए एक बार देखिए फॉल्ट का जो सिंबल होता है, पहले आप लोग समझ जाइए, फॉल्ट का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉल्ट का सिंबल ऐसे बनाया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला वाला है एल जी फॉल्ट जिसमें एक बार ग्राउंड के संपर्क में आया है, दूसरा वाला है एल एल फॉल्ट मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट, दो वायर क्या है शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, और तीसरा है डबल एल जी फॉल्ट, दोनों वायर क्या है ये देख लीजिए यहाँ पर दो शॉर्ट सर्किट हैं, और तीसरा क्या है मतलब यहाँ से ही इस ग्राउंड से संपर्कित हो गया है। डबल एल जी फॉल्ट है ये थ्री फेज फॉल्ट है, थ्री फेज फॉल्ट इसे क्यों बोलेंगे, मतलब तीनों वायर फेज के शॉर्ट सर्किट हैं, इसे थ्री फेज फॉल्ट बोलते हैं। तो अगर फिगर आपको एग्जाम में बना देना है जब भी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अब हम ट्रिपल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप है एल एल फॉल्ट मतलब लाइन टू लाइन फॉल्ट। लिखने का तरीका आपको हमने यहाँ पर बताया, बाकी आपको समझा दिया है कि एल एल फॉल्ट क्या होता है। देखिए इसे लाइन टू लाइन फॉल्ट कहा जाता है, एक ट्रांसमिशन लाइन पर लाइन टू लाइन फॉल्ट तब उत्पन्न होता है जब दो कंडक्टर अचानक एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ें पता तो होती हैं लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं पता होता है, तो बस यहाँ पर हमने लिखने के तरीके को बताया कैसे आप एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे। बाकी आपको भी पता है कि एल एल फॉल्ट, जैसे कि एल एल फॉल्ट यहाँ पर आपको भी पता है कि जब ट्रांसमिशन लाइन का दो कंडक्टर क्या होगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो लाइन टू लाइन फॉल्ट उत्पन्न होगा, लेकिन इसको लिखने का कैसे तरीका होना चाहिए उसको थोड़ा समझा दिया है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ।
अब देखिए इसी प्रकार क्या है आपका डबल एलजी फॉल्ट की बात करें तो ऐसे एग्जाम में लिखना है आपको कि इसे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहा जाता है, जब थ्री फेज लाइन के दोनों फेज अचानक ग्राउंड के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार के केस में फॉल्ट करंट जो होता है लाइन टू ग्राउंड फ्लो करता है। इसी प्रकार आपका थ्री फेज फॉल्ट होगा, थ्री फेज फॉल्ट में क्या लिखेंगे, जब थ्री फेज सिस्टम के तीनों वायर तीनों कंडक्टर एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं तो थ्री फेज फॉल्ट उत्पन्न होता है। तो ये था आपका आज का पहला टॉपिक, वो समाप्त हुआ पहला टॉपिक कि सिमेट्रिकल फॉल्ट बता दिया। अब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी कंप्लीट हो गया है, आपको इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है। अब बात करें अगले टॉपिक की, तो आप लोग सिलेबस से मिला लीजिएगा, हम बिल्कुल सिलेबस से न तो एक टॉपिक ज़्यादा पढ़ा रहे हैं ना तो कोई भी टॉपिक कम। तो सिलेबस में अगला टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि इसका हेडिंग का मतलब क्या है। देखिए इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक है इसको समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए आपका ये क्या है, ये पावर सिस्टम है, ठीक है पावर सिस्टम है, और यहाँ से क्या गया है वायर्स आपको कंज्यूमर तक गए हैं या फिर ट्रांसमिशन होने के लिए सब स्टेशन पर गए हैं, ठीक है यहाँ पर ये सब वायर है। तो अगर क्या होगा कि देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में कहीं फॉल्ट हो जाता है तो जो आपका थ्री फेज सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी मतलब उसकी विश्वसनीयता और स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्वता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कोई भी कंपनी हो गया, पावर सिस्टम कुछ भी कोई भी सिस्टम हो गया, उसकी एक रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी होती है मतलब विश्वास करने योग्य होती है, लेकिन अगर फॉल्ट हो जाता है तो उस स्थिति पर इनकी रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपको पढ़ना है और यही आपको एग्जाम में लिखना भी है। और यही चीज़ हमने आपको मेंशन भी कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जब किसी पावर सिस्टम में फॉल्ट होता है तो उस सिस्टम की रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी पर फॉल्ट का क्या इफेक्ट होता है, इसी हेडिंग का यह मतलब है। तो पहला पॉइंट ये है कि फॉल्ट होने पर क्या होता है, वेरी हैवी फॉल्ट करंट फ्लो करने लगता है, इसकी वजह से पावर सिस्टम में लगा इक्विपमेंट जो होता है डैमेज हो जाता है। मान लीजिए आपका ये पावर सिस्टम है और इसमें बहुत ही महंगे और अच्छे उपकरण लगे हैं, लेकिन अगर आगे क्या होता है फॉल्ट हो जाता है या यहीं पर फॉल्ट हो जाता है तो उस सिस्टम में जो इक्विपमेंट लगा है वो डैमेज हो सकता है, मतलब कि फॉल्ट होने का यह भी एक इफेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फॉल्ट होने पर क्या होता है। देखिए फॉल्ट होने पर हाई अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट फ्लो करेगा। आपको पता है कि जब फॉल्ट होता है कि करंट का वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, फॉल्ट होने पर करंट का वैल्यू जो होता है बढ़ जाता है। तो जब फॉल्ट होता है तो हाई अमाउंट का फॉल्ट करंट उत्पन्न होता है, इसी वजह से क्या होता है कंडक्टर जो होते हैं ओवरहीट हो जाते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेस हो जाता है मतलब तनाव हो जाता है। जैसे वायर है अगर यहाँ पर क्या फॉल्ट होता है तो कंडक्टर में क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है करंट का वैल्यू तो बढ़ जाएगा, जब करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, और जब हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो मैकेनिकल स्ट्रेस हो जाता है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट में क्या है कि तेज़ हवा के झोंकों से आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, यदि फॉल्ट लंबे समय तक रहता है तो आग सिस्टम के अन्य भागों में फैल सकती है। जैसे देखिए करंट का वैल्यू जब ज़्यादा होता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन अगर हीटिंग इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो आग लगने का खतरा भी रहता है वहाँ पर, अगर फॉल्ट लंबे समय तक रहता है और वह जो खतरा रहता है वो कई भागों तक मतलब सिस्टम के अन्य भागों तक पहुँच सकती है। देखिए ये भी जो भी नोट्स आपको यहाँ पर चैनल पर दिखाए जा रहे हैं वो नोट्स किताब से नहीं लिखे गए, किसी भी किताब से हमने जब मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ा था, तो ये अपने लैंग्वेज हमने लिखा है, तो आप लोग अगर ऐसा एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है कि फॉल्ट की वजह से ओवरहीट होता है और ओवरहीट की वजह से कंडक्टर का इंसुलेशन जो होता है वीक हो जाता है, जिससे उसका लाइफ जो होता है कम हो जाता है। जैसे फॉल्ट हो, ये एक मान लीजिए वायर है, अगर फॉल्ट होता है तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, करंट वैल्यू बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जब हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा जो इसका इंसुलेशन किया गया है इसके ऊपर उसका वो जो होगा वीक हो जाएगा और उसकी लाइफ जो होगी 10 साल होने की बजाय 5 साल ही रह जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि फॉल्ट का सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रभाव है कि उपभोक्ताओं को आपूर्ति में रुकावट हो सकती है जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता कम हो जाती है। जब फॉल्ट होगा तो फॉल्ट होने पर सप्लाई क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा तो सिस्टम की रिलायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब आते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य पर, वैज्ञानिक तथ्य क्या कहता है कि किसी भी पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी जो होती है, यहाँ पर हमने नोट किया है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके जैसे आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें पूछ सकता है ये,
UPSC जेई SSC जेई कुछ भी हो गया। देखिए तो इसमें कह रहा है कि किसी पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी जो होती है उस पावर सिस्टम के फॉल्ट करंट के विलोमान पाती होती है। यहाँ पर हमने देखिए नोट कर दिया है कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल जो होता है, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विलोमान पाती दिया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/ फॉल्ट करंट। मतलब अगर स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगा, मतलब अस्थायित्व बढ़ेगी, तो फॉल्ट करंट का मान, सीधी बात है कि फॉल्ट करंट का मान अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी जो होगी ज़्यादा होगी, और फॉल्ट करंट का मान ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, जैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल जो होता है कुछ इस टाइप से बनता है। मान लीजिए ये स्टेबिलिटी एस से दे दें, 1/ फॉल्ट करंट को एफ से दे दें, तो अगर एफ बढ़ेगा तो एस घटेगा, एफ घटेगा तो एस बढ़ेगा। फिर यहाँ पर आगे और मेंशन किया गया है कि फॉल्ट करंट का मान जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पावर सिस्टम, मान लीजिए 3-phase पावर सिस्टम, इसमें फॉल्ट करंट का मान आई है, मान जो तो उस सिस्टम की प्रतिबाधा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें जो सिस्टम इसकी प्रतिबाधा मान लीजिए कि जेड है, तो इसके क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1/ जेड होता है। यहाँ पर एफ आई लिख देंगे, मतलब फॉल्ट करंट, ठीक है, कहने मतलब प्रतिबाधा घटेगा तो फॉल्ट करंट क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रतिबाधा बढ़ेगा तो फॉल्ट करंट घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। तो आज का आपका दूसरा टॉपिक खत्म हुआ, अब आगे जो 2-3 टॉपिक बचे हैं उसको बताकर ये चैप्टर समाप्त कर देंगे।